हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th. टुडे वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 10.1. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव. एक सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट्स, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं. ये हमारे पास एक सर्कल है, तो हमें ये बताना कि इसके ऊपर हम कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं. हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव. तो करते हैं इसको. मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये, और यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर. फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया और इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ की. एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, इस तरह से एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी. एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक टेंजेंट ये हो जाएगी. एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक टेंजेंट ये हो जाएगी. तो यहाँ पर हम, हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, बहुत से पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जितने पॉइंट होंगे हम उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. और यहाँ पर इसके सरकमफेरेंस के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो हम उतनी ही इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. इसका आंसर हो जाएगा infinitely many, यानी अनगिनत, infinitely many tangent can a circle have. Second question है, fill in the blanks. First part है, a tangent to a circle intersect it in points. एक tangent है जो circle की, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी कितने पॉइंट्स के ऊपर. अब हमने पीछे पढ़ा था कि टेंजेंट क्या होती है. तो टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर ही इंटरसेक्ट करती है. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट. तो इसमें आ जाएगा वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर ही टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी. सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए. एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे. तो वो कहलाएगी सिकेंट, उसे हम कहेंगे सिकेंट, क्योंकि सिकेंट होती है वो सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है. जो एक पर करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और जो दो पर इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम सिकेंट. तो सेकंड का आंसर हो जाएगा इज कॉल्ड ए सिकेंट. थर्ड है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, अधिक से अधिक. एक सर्कल है उसके ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट अधिक से अधिक हो सकती हैं. तो पैरेलल कितनी होंगी, एक टेंजेंट के ऊपर पैरेलल सिर्फ दो ही टेंजेंट हो सकती हैं. कैसे, जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, किए तो इसकी मैंने एक यहाँ पर एक टेंजेंट ली, एक टेंजेंट मैंने ड्रा की यहाँ पर इस तरह से. तो इसके पैरेलल तो यहाँ पर सिर्फ एक ही होगी इस तरह से, इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी. तो यहाँ पर सिर्फ अधिक से अधिक दो ही पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल के अंदर हो सकती है. थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, जो टेंजेंट हमने सर्कल के ऊपर ड्रा की है, तो उस टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट, सर्कल और
सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है उसका कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट, यानी उसे हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। कैसे? देखिए सर्कल है ये, मैंने एक टेंजेंट ड्रा कर ली इसके यहाँ पर। तो इस टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट है ये, जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट बोलेंगे इसको हम, पी को। पी कहलाएगा पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। पार्ट है सेकंड का, फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 1, और सेकंड है जो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड, और जो थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा 2, और यहाँ पर ही हमारे पास फोर्थ था, ये सेकंड का फोर्थ पार्ट है, इसे हम कहेंगे सेकंड का फोर्थ पार्ट, ये सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है कि वो क्या होगी। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है, सही ऑप्शन को हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है। यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट ड्रॉ की हमने पॉइंट पी के ऊपर, पी क्यू टेंजेंट, ओ से क्यू की डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लेंथ बतानी कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी क्यू। नाउ द एंगल ओ पी क्यू, जो एंगल हमारे पास ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, 10.1 जो थ्योरम है उससे यहाँ पर जो एंगल है कितने का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का। नाउ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हमारे पास इसमें हम पाइथागोरस तो थ्योरम है उसका भी यूज करेंगे, उसको लगाएंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस तो हम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर ये यह हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है 12, 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस ओ पी, ओ पी हमारे पास है रेडियस, ये हमें गिवन है, ओ पी है 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 - 25, दैट इज इक्वल टू 119। सो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 119। यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 119, 119 स्क्वेयर रूट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्राई सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन लाइन वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सिकेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और टू लाइन, दो लाइनें यहाँ पर पैरेलल टू गिवन लाइन, हमें टू लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, एक तो गिवन लाइन के पैरेलल और दूसरी जो क्या है टेंजेंट है, एंड द अदर क्या है सर्कल की सिकेंट है। तो यहाँ पर हमें ये ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और
उस सर्कल के अंदर हमें एक लाइन गिवन है, उस लाइन गिवन लाइन के पैरेलल हमें दो लाइनें ड्रॉ करनी है, जो एक तो क्या हो टेंजेंट और दूसरी क्या हो सिकेंट, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो और दूसरी क्या हो सिकेंट। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, गिवन लाइन हमने मान लिया कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास गिवन लाइन है। हमें इस गिवन लाइन के पैरेलल टू लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो टेंजेंट हो और दूसरी क्या हो सिकेंट हो। तो हम इस गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट। गिवन लाइन हमारे पास थी पी क्यू, पी क्यू है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो क्या है सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। अब इसी के पैरेलल हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी सिकेंट होगी सर्कल के ऊपर। तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से, ए बी, ये दूसरी हमारे पास हो जाएगी सी डी। तो इस प्रकार से हमें एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के गिवन लाइन हमारे पास थी पी क्यू, तो पी क्यू के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी जो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और इसी पी क्यू के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ की हमने सी डी जो क्या है सिकेंट है। सिकेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सी डी सिकेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सी डी है जो ये सर्कल को टू पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट सी पे और डी पे। तो दो पॉइंट के ऊपर जो इंटरसेक्ट करे वो कहलाएगी सिकेंट, और जो वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे वो कहलाएगी टेंजेंट। तो ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट और ये हो जाएगी सिकेंट। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी, सॉरी पी लिया आर ले लेते हैं, तो ए बी इज ए टेंजेंट एंड सी डी इज ए सिकेंट।